बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ मैयर ऑफ डिसिप्लिन। हमने स्क्यूनेस और स्क्यूनेस के बारे में देख लिया था कि वो हमें बताते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड या सिमेट्रिक जो डाटा होता है उसके बारे में, और उसके हमने जो कोफिशिएंट निकालने पर सीख लिए। अगर आप ग्राफ बना के भी देख सकते हो हिस्टोग्राम या फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप कोई कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि उसके वैल्यू जीरो से कंपेयर करेंगे, अगर जीरो हुई तो वो आपका सिमेट्रिक होगा, अगर जीरो से। अच्छा जी, ये हमारे पास फिर हमने जो बेसिकली जीरो से कंपेयर किया, अगर वो जीरो वैल्यू होती है तो हमारा सिमेट्रिक होता है, अगर लेस देन जीरो होती है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड, अगर ग्रेटर देन जीरो होती है तो पॉजिटिवली स्क्यूड। बी वन के थ्रू हमने जो है बेसिकली उसको कैलकुलेट करना सीखा। अब हम कर्टोसिस देख रहे हैं। कर्टोसिस हमें डाटा की पीकनेस के बारे में बताता है, ठीक है। डाटा की बेसिकली जैसे कि ये देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ रही है, इस तरह का अगर हमारा आ रहा है तो इसको हम लेफ्ट और कटी कहते हैं, और यहाँ पे दरमियान में सेंटर में मीन होता है। इसका मतलब है कि मीन के अराउंड वैल्यूज लाई कर रही हैं, तो वैल्यूज में ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है। अगर यही हमारा जो है ग्राफ इस तरह का बन जाए, और इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि इसका मतलब है कि हमारे जो डाटा में है स्कैटर्ड है, वैल्यूज मीन के अराउंड इतनी नहीं लाई कर रही, आस पास ज़्यादा है स्कैटर्ड, और हो सकता है कि वो इस तरह से भी आ जाए। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है वैल्यूज के दरमियान, वो आपके मीन के अराउंड लाई नहीं कर रही हैं, सेंटर के अराउंड नहीं है, उस पर स्कैटर्ड ज़्यादा है। तो बेसिकली कर्टोसिस हमें स्कैटर्ड के बारे में बताते हैं, द वर्ड या पीकनेस के बारे में। द वर्ड कर्टोसिस, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेनी है, ठीक है। द वर्ड कर्टोसिस इज यूज टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ द टेल्स एंड पीकनेस, ठीक है। लेंथ ऑफ टेल्स, आपको टेल्स के लेंथ के बारे में, एंड पीकनेस तो इसकी ऊंचाई है उसके बारे में बताते हैं। फॉर ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्लेटोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक। अब ये मेसोकर्टिक जो है अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो इसको हम नॉर्मल भी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, सिमेट्रिक भी कहते हैं। मेसोकर्टिक के तीन नेम है, इसको हम मेसोकर्टिक भी कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और सिमेट्रिक भी कहते हैं। प्लेटोकर्टिक होती है आपके पास इस तरह से, जो बेसिकली प्लेटो प्लेट की तरह से, वो थोड़ी ज़मीन की साइड पे होती है। और जो लेप्टोकर्टिक होती है, ये आपकी थोड़ी ऊंची भरी होती है, जैसे लेप करते हैं कोई, आपकी जो लेप कर करके इसको आपने जैसे ऊंचा नहीं कर लेते हैं, इस तरह से कुछ चीज़ लेप्टोकर्टिक की फॉर्म में। मेसोकर्टिक इज़ द यूजुअल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इसका नेम है। लेप्टोकर्टिक इज मोर पीक, ये आपने देखा है, ये लेप्टोकर्टिक की फॉर्म में थी। लेप्टोकर्टिक इज मोर पीक एंड हैज़ मैनी वैल्यूज अराउंड द मीन, ठीक है। इसका मतलब है मीन के अराउंड सारी वैल्यूज लाइक कर दी हैं, इन द टेल अवे फ्रॉम द मीन, वेयर एज प्लेटोकर्टिक इज अ बिट फ्लैट। प्लेटोकर्टिक जो आपकी फ्लैट होती है, उसमें इतनी थिकनेस नहीं होती, एंड हैज़ मोर वैल्यूज बिटवीन द मीन एंड टेल्स एज कम्पेयर टू मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब फॉलो में उन्होंने शेप बता दी कि मेसोकर्टिक की शेप ये है, ठीक है। इसका मतलब है इसमें, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको, सिमेट्रिक भी कहते हैं, तो इसमें मॉडरेट पीक है, ज़्यादा पीक नहीं है आप देखेंगे, और जो डाटा की वैल्यूज हैं वो मीन के अराउंड नॉर्मल जो है स्कैटर्ड है, ज़्यादा दूर दूर नहीं है। अब ये प्लेटोकर्टिक है, इसका मतलब है ये, इसमें जो है हमारे पास ये फ्लैट है, कि मोर फ्लैट है, इसमें आपकी जो है पीकनेस नहीं है। पीकनेस का मतलब ये कि कोई ऐसी पीक बनी हुई होती है वो नहीं है, इसमें पीक ऐसे बनी हुई होती है ना, वो नहीं, इसमें फ्लैट है डाटा आपका, तो इसमें आपकी जो मीन के अराउंड वैल्यूज में दूर दूर है स्कैटर्ड है। लेप्टोकर्टिक में देखिए मोर पीक होती है आपकी, ये पीक बनी हुई है लेप्टोकर्टिक में। लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक की डिस्ट्रीब्यूशन आपने ग्राफ्स देखे हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो आपको अगर आप हिस्टोग्राम या फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन या डिफरेंट डायग्राम्स बना के देख सकते हो, लेकिन इसको आप वैल्यूज के थ्रू कैसे देखेंगे। द लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मे बी कंपोजिट ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन एंड डिफरेंट वेरियंसेस, ठीक है। लेप्टोकर्टिक को कहने की कॉम्पोजिट है दो डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें मीन सेम हो लेकिन वेरियंस डिफरेंट हो सकता है। प्लेटोकर्टिक में वो कह रहे हैं कि कॉम्पोजिट है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन इसमें सेम वेरियंस होगा, मीन डिफरेंट हो सकता है। इसमें मीन सेम था और वेरियंस डिफरेंट था, इसमें सेम वेरियंस है और डिफरेंट मीन है। अब बी टू को आप कैलकुलेट करते हैं, ये भी डायमेंशन लेस होता है, जैसे कि बीटा वन डायमेंशन लेस था, या यूनिट लेस कह सकते हो कर्टोसिस बेस्ड ऑन बी टू। अब इसको आप कंपेयर करते हो थ्री से, बीटा टू आप जो है ये कैलकुलेट करेंगे, ये तो आपको पता है पॉपुलेशन की बेस पे होते हैं, आप इसकी जो एस्टिमेट एम फोर एम टू स्केल यूज़ करेंगे। बीटा टू की वैल्यू अगर एग्जैक्ट थ्री आ जाती है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक, नॉर्मल या सिमेट्रिक कह सकते हो। बीटा टू की वैल्यू लेस देन थ्री आ जाती है, इसका मतलब ये प्लेटोकर्टिक है। अगर बीटा टू की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री आती है, इसका मतलब है लेप्टोकर्टिक है, जो मोर पीक्ड है, ये पीकनेस के बारे में बताती है ना। अब ये इसका सैम्पल एस्टिमेट आ गया, जो आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। बी टू का एस्टिमेट बीटा, बीटा टू एस्टिमेट बी टू,
बेयर क्वार्टर डेविएशन स्टैंड फॉर क्वार्टर डेविएशन पी 90, सॉरी ये नेक्स्ट है। इसके बाद अनदर मेजर ऑफ कर्टोसिस नॉट वाइडली यूज, अब ये वाइडली यूज नहीं होता है, वाइडली आपको वही यूज होता है बी टू, लेकिन कभी कभी वो कैसे कह देते हैं परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी बताएं। तो इसका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू क्वार्टर डेविएशन डिवाइड बाई पी 90 माइनस पी 10। अब क्वार्टर डेविएशन आपको पता है कि क्वार्टर डेविएशन स्टैंड फॉर पी 9 और पी 90 और पी 10 आपको पता है 90th एंड 10th परसेंटाइल है। अब वो कह रहे हैं कि जो के है इसकी वैल्यू 0.26 होगी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एमसीक्यूज में आ सकता है, और वैसे इसकी वैल्यू 0 से 0.5 के दरमियान में लाई करती है। ठीक है, तो ये इसका मिड बन रहा है, तो ये मीटर में जो है नॉर्मल होगा, मैथमेटिक होगा। 4.22 है हमने कहा बी वन और बी टू कैलकुलेट करें, बी टू हमें स्किनेस के बारे में बताएगा, बी टू हमें कर्टोसिस के बारे में बताएगा। फॉर अनग्रुप 4.18 एंड ग्रुप 4.19 दोनों तरह के डाटा से। अब सबसे पहले उन्होंने अनग्रुप डाटा का है M2, M3, M4 ले लिया, यानी कि मूवमेंट्स अबाउट मीन यूज़ करेंगे हमेशा, आप इसमें रॉ मूवमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। मूवमेंट्स अबाउट मीन को पुट किया है बी वन के फॉर्मूले में और आपने देखा ये वैल्यू आ गई 0.06। ठीक है, इस मीन के क्या आपका जो है बेसिकली सिमेट्रिक टाइप है, क्या आप इसको कर सकते हो पॉजिटिवली स्क्यूड है आपका डाटा। M4 ओवर M2 स्केल ये आपने पुट किया तो ये 2.18 आ गई, लेस देन 3 आ गया, तो इस मीन ये क्या है आपके पास प्लेटोकर्टिक है। अगर ये ग्रेटर देन 3 होता तो ये लेप्टोकर्टिक होता, इक्वल टू 3 होता तो सिमेट्रिक होता है, इस मीन ये लेप्टोकर्टिक है। ग्रुप डाटा में भी आपने जो है इसका फॉर्मूला B1 का और B2 का जो है ये फॉर्मूले के थ्रू वैल्यूज पुट कर दी जो आपने मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट की हुई थी, रॉ मूवमेंट्स को नहीं करना, ये बात माइंड में रखनी है। इसके बाद जो है वैल्यूज ये आगे 0.15, इस मीन ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ग्रेटर देन 0 है, ये भी ये है लेस देन 3, तो ये फिर लेप्टोकर्टिक आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के मार्क करवा दूँ, आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है सारा। फर्स्ट फोर मूवमेंट्स ऑफ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन वाज इक्वल टू, अब ये आपको एक गिवन है, ये M1 प्राइम M2 प्राइम M3 M4 प्राइम, फाइंड द वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक, हमने ये बताया लेप्टोकर्टिक है या प्लेटोकर्टिक है। अब ये सबसे पहले हमारे हमने जो M1 M2 M3 M4 की वैल्यू लिख ली, ए की वैल्यू लिख ली हमने। नेक्स्ट इसके बाद जो है M1 प्राइम M2 प्राइम M3 M4 प्राइम सारे हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हमने इसका मतलब है हमने लेप्टोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक के बारे में बताना है, तो हमें चाहिए होगा M4 और M2। इसके लिए जो है हम जो रो मूवमेंट से मीन मूवमेंट M2 फाइंड कर लेंगे फार्मूले के थ्रू, M4 से हम M4 भी फाइंड कर लिया रो मूवमेंट से। अब इसके बाद B2 में जो हमने है अपनी वैल्यूज पुट कर दी M4 की M2 की, उसका स्केल लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आगे 2.21, इट्स मीन ये भी लेस देन 3 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर है 4.30, फाइंड फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट इक्वल टू दिस, ये आपको गिवन है, मीन ये भी कर लिया है। फाइंड मूवमेंट्स अबाउट β1 एंड β2 गिवन, फोर मूवमेंट्स अबाउट वाई, अभी आपको ए गिवन है और नेक्स्ट आपको मूवमेंट्स गिवन है A1, M1, M2, M3, M4 prime, ठीक है, और एक आपको A given है, यानी कि रो मूवमेंट्स given है। इसमें आपने जो है सबसे पहले मीन मूवमेंट्स फाइंड कर लेंगे, सेम वही मेथड आपका जो है M1 मीन मूवमेंट आ जाएगा रिलेशन के थ्रू, M2 आ जाएगा, M3 आ जाएगा और M4 आ जाएगा। ये चारों मूवमेंट्स जब आपके पास आ गई, उसके बाद आपने B1, B2 कैलकुलेट कर लेना है, और उसके बाद आप बता सकते हो B1 की वैल्यू को 0 से कंपेयर करके, B2 की वैल्यू को 3 से कंपेयर करके, उनके जो है लेप्टोकर्टिक मेसोकर्टिक या फिर प्लेटोकर्टिक, और B1 से स्क्यूनेस पॉजिटिव स्क्यूड नेगेटिव स्क्यूड या सिमेट्रिक। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4.33 सॉरी। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 9 एंड 16। अब ये आपको उन्होंने कह दिया कि मीन टू डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास, एक का जो है M2 ये है और एक का M2 ये है, ठीक है। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, ये प्राइम वाली नहीं है M2 और ये भी M2 है। वाइल द फोर्थ मोमेंट, ये भी आपको M4 गिवन है, ये भी M4 गिवन है, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक एंड प्लेटोकर्टिक आपने बताना है। तो ये भी आपको मैं दिखा दूँ किस तरह से आप करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन 1 का डाटा लिख लिया M2 M4, डिस्ट्रीब्यूशन 2 का डाटा लिख लिया, इसके बाद β2 कैलकुलेट कर लिया, इसका भी β2 कैलकुलेट कर लिया, और आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो है लेस देन 3 आई है तो इसका मतलब है प्लेटोकर्टिक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 आई है तो इसका मतलब है ये लेप्टोकर्टिक है। नेक्स्ट आ जाए इसके बाद क्वेश्चन नंबर
4.34 में आपको मीडियन गिवन है, आपने स्क्यून इसके बारे में बताना है, मीडियन गिवन है, या हम ये भी मैंने आपको बता दिया था कि आपने कैसे करना है, आपने कर लिया होगा। ये पॉलिस कोफिशिएंट निकालना है और इसमें आपका मीन लेस देन मोड है तो ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4.35, द सेकंड मूवमेंट, ये सेम जो भी हमने ऊपर किया उसकी तरह का है। आपको ये एम टू गिवन है, नेक्स्ट ये है एम टू गिवन है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद एम फोर और एम फोर ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद आपने बताना है कि विच डिस्ट्रीब्यूशन इज रेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक या प्लेटोकर्टिक। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटोकर्टिक आएगी और हो सकता है दोनों प्लेटोकर्टिक आ जाएँ, दोनों लेप्टोकर्टिक या दोनों ही मेसोकर्टिक, ये आप देख लेंगे कैलकुलेट करके वैल्यू को 3 से कंपेयर करके। ठीक है, इसमें आपने बी टू कैलकुलेट करना होगा जैसे भी ऊपर आपने देखा था। नेक्स्ट इसके बाद है सेकंड पार्ट, उसमें द फोर सेंट्रल मूवमेंट्स ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 243। इस मीन कि ये आपका एम फोर है, एम फोर की वैल्यू आपको गिवन है, द फोर सेंट्रल मूवमेंट ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक। अब मेसोकर्टिक में आपको पता है कि रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है, बीटा टू आपका टू के इक्वल आ जाता है, थ्री के इक्वल सॉरी आ जाता है। और नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एम फोर डिवाइडेड बाय एम टू स्क्वायर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला को, इजिकल टू थ्री। अब यहाँ पे जो है एम फोर की वैल्यू पुट कर देंगे 243 और ये एम टू स्क्वायर। अब ये कोर्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपके पास एम टू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एम टू की वैल्यू आपकी बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, वेरियंस होती है। ठीक है, उस वेरियंस का फिर अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 4.36, द सेकंड मोमेंट अबाउट मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। ये आपको गिवन है एम टू की वैल्यू, वट वुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लेटोकर्टिक। तीनों केसेस में इसकी जो है आपने वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो आपने एम टू की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे म्यू टू की जगह पे आप एम टू भी कर सकते हो। बीटा टू की वैल्यू जो है आपने इस तरह से कैलकुलेट कर ली, म्यू फोर ओवर 625। लेप्टोकर्टिक के केस में जो है एक ग्रेटर देन थ्री होगा, यहाँ पुट किया और यहाँ से म्यू फोर की वैल्यू आ गई। मेसोकर्टिक में ये इक्वल टू थ्री होगा तो यहाँ से भी एम फोर की वैल्यू आ गई। प्लेटोकर्टिक में लेस देन थ्री होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ से भी आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मोड। अब ये अरिथमेटिक ग्रेटर देन मोड किस में होता है, कि आपका अरिथमेटिक ग्रेटर होगा इसका मतलब है ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक इज लेस देन मोड, इसका मतलब ये नेगेटिवली स्क्यूड है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, इस मीन ये भी आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है। नेक्स्ट आ जाते हैं 4.38 में, आपने बताया व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये तीनों इक्वल है तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक हो जाएगी, अगर ये ग्रेटर देन है तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर ये लेस देन है तो इसका मतलब ये नेगेटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट अगर बीटा वन की वैल्यू जीरो और बीटा टू की वैल्यू थ्री आ गई, इस मीन ये सिमेट्रिक है। बीटा वन की जीरो और बीटा टू की वैल्यू फाइव आ गई तो फिर क्या हो जाएगा, ये बीटा वन के रिस्पेक्ट से तो हो जाएगी इसमें स्क्यूनेस जीरो, लेकिन बीटा टू हमारा ग्रेटर देन थ्री आ गया तो इसका मतलब है ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेप्टोकर्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद 4.39, ट्रू फॉल्स बताने हैं आपने, द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द डेविएशन फॉर द डेटा सेट फॉर मीडियन इज मिनिमम। ठीक है, ये आपको पता है सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन होता है वो मिनिमम होता है या नहीं होता है, फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम, ये आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट इसके बाद द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फॉर द डेटा फ्रॉम मीन इज मिनिमम, अब ये भी फॉल्स है। यहाँ पे ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, द वेरिएंस इज रिजल्टिंग डेटा सेट इंक्रीजेस। अगर आप डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से तो वेरिएंस में क्या इफेक्ट होगा, मल्टीप्लाई करने से वो इंक्रीज करेगा ट्रू, अगर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो कोई फर्क ना पड़ता। इफ अ कांस्टेंट इज एडिंग इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा सेट देन द वेरिएंस, अब वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये ट्रू है। रेंज इज द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, ये भी ट्रू है हमारे पास। नेक्स्ट है रिलेटिव मेजर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, ये भी ट्रू है। मीन डेविएशन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन,
ये कोर्स है मीन डेविएशन आपके सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है। आप देखते हैं कि आप लास्ट में जो कॉलम कैलकुलेट कर रहे होते हो एब्सोल्यूट डेविएशन का वो लेते हैं। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज आल्सो कॉल्ड इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज को आप इंटरक्वार्टाइल रेंज नहीं कहते हैं, ठीक है, इसको आप क्वार्टर डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट अपॉन ओरिजिन, ये भी फॉल्स होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये ट्रू है। नेक्स्ट इसके बाद द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज वन, फॉल्स, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जीरो होती है। वी वन इक्वल टू थ्री डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, ट्रू। नेक्स्ट मीन डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, ट्रू। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मेसोक्रेटिक, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक। अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक। अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड, आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन को आपके कहते हैं स्कैटर भी कहते हैं, मेजर ऑफ स्कैटर या वेरिएबिलिटी भी कहते हैं। अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक्सप्रेस एज अ कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डैश मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर, जिसमें आपका जो है कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं वो रिलेटिव हो जाता है, उसमें यूनिट लेस हो जाता है वो आपका। नेक्स्ट इसके बाद सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस आर मिनिमम इफ कंप्यूटेड फ्रॉम, अगर आप मीडियम से कैलकुलेट करते हो तो वो मिनिमम होंगी। अभी आपके एमसी टू फोर्स में भी पूछा था उन्होंने, आपको जो है एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं मीडियम से, एब्सोल्यूट स्क्वायर नहीं, एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं मीडियम से, तो वो मिनिमम होगा। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट चेंज इफ द कॉन्स्टेंट इज एडेड और सबट्रैक्टेड, स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ वैल्यू एड या सबट्रैक्ट करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑलवेज नेक्स्ट इसके बाद फिफ्थ वाला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसके बाद आ जाता है डाटा हैविंग लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंसीडर मोर कंसिस्टेंट, ये आपको मैंने बताया था कि जिसका लेस सीवी की वैल्यू होती है वो मोर कंसिस्टेंट होता है, जिसकी सीवी की वैल्यू बड़ी होती है वो मोर वेरिएबिलिटी होती है। इसमें द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड, लैक ऑफ सिमेट्री आपकी क्या कहलाएगी, स्क्यूनेस। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टर डेविएशन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन ऑन बोथ साइड्स, क्यू वन और क्यू थ्री आपके इक्वली डिस्टेंस होंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। शेपर्ड कोलेक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू जीरो इन बोथ डायरेक्शंस। अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट एंड एवरेज। यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कि आपने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, कोई प्रॉब्लम कोई हो तो आप पूछ सकते हो, आपने अदरवाइज ये सारे जो क्वेश्चंस अपने होमवर्क में कंप्लीट कर लेने हैं।